भवाना पुलिस थाना की बड़ी कामयाबी आपको बता दें कि भवाना के इंडस्ट्री एरिया सेक्टर 3 में जो M34 फैक्ट्री में एक फैक्ट्री चली थी जिसमें कि कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती थी जो कि किसान अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करे। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो कीटनाशक दवाई है वो डुप्लीकेट बनाई जा रही थी जिसकी वजह से अक्सर जो किसान है वो अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से फसल जो है वो ख़राब भी हो जाती है। लेकिन कई फसल जो हरी फसलें हरी सब्जियां हैं उसमें यदि इस्तेमाल किए जाए तो वो सब्जी यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और उसको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। तो फिलहाल पुलिस पूरा शिकंजा कसी हुई है इस तरह की फैक्ट्रियों पे। यदि कोई इस तरह की फैक्ट्री इस तरह चलती है तो पुलिस लगातार सतर्क रहती है और हमेशा इस तरह जो लोग इस तरह की फैक्ट्री चला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने में जुटी है। दिल्ली राजधानी दिल्ली में नकली कीटनाशक दवाइयों का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। वहीं अब दिल्ली पुलिस भी नकली कीटनाशक दवाइयां बनाने वालों पर अपना शिकंजा कस रही है। बारी दिल्ली के भवाना इंडस्ट्री एरिया के सेक्टर 3 में स्थित M34 में एक फैक्ट्री के ऊपर दिल्ली पुलिस के DIU विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और यहां पर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक दवाइयां दिल्ली पुलिस ने बरामद की और फैक्ट्री मालिक के ऊपर कई आपराधिक मामलों में धाराएं लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नकली कीटनाशक दवाइयों के चलते किस तरह की बीमारियां हो रही हैं और किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए वाई मीडिया न्यूज से ग्राउंड जीरो पर संवाददाता दुष्यंत सिंह पहुंचे और ग्रामीण इलाकों में उन किसानों से मिले जो किसान काफी वर्षों से लगातार सब्जियों की फसल लगा रहे हैं। तिगीपुर गाँव में रहने वाले किसान पप्पन सिंह गहलोत ने बताया कि वह अपने खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, पेठा, पालक, सरसों, धान और गेहूं की फसल भी लगते हैं। यह किसान अपनी फसलों की ज्यादा अच्छी पैदावार हो इसलिए दुकानों से महंगी कीमत पर कीटनाशक दवाइयां खरीद कर अपनी फसलों में समय समय लगते हैं। लेकिन जब किसानों ने देखा कि काफी महंगी कीमत में आने वाली कीटनाशक दवाइयां खेत में बेअसर होती हुई नजर आ रही हैं, कई बार कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से फसलें भी नष्ट हो रही हैं। उसी के साथ साथ पप्पन सिंह गहलोत जो सब्जियों की फसलें अपने खेत में लगा रहे हैं उन सब्जियों का इस्तेमाल घर में भी किया जा रहा है। अपने ही खेत की सब्जियों का सेवन करने से उनके घर के लोग भी बीमार हो रहे हैं। पप्पन सिंह गहलोत का कहना है कि लगातार नकली कीटनाशक दवाइयों व खाद के छिड़काव से आज वे भी खुद कई बीमारियों से ग्रस्त। फसलों को लेकर क्या कहना है आपका, जो खाद डालते हैं आप, कीटनाशक दवाइयां डालते हैं, फसलें कितनी ठीक होती हैं आपकी? देखो पिछले कई साल से हमारे साथ किसानों के साथ बड़ी गड़बड़ चल रही है। जो दवाई ला रहे हैं इतनी महंगी महंगी कीटनाशक दवाई आ रही है, असर नहीं करती और कई दवाइयां तो हमें ऐसी मिल जाती है कि फायदे की बजाय उल्टा नुकसान करती है। और ऐसे खाद में भी ऐसे चल रहा है, खाद भी जो है मिलावट का आ रहा है। तो हम आपसे कहेंगे आप जो है हमारी आवाज़ बनाओ किसानों की और इस आवाज़ को उठो कि ये चोर कौन है, कौन गड़बड़, हम किसान गरीब किसानों को, हम जो है दो हजार की दवाई की जो है एक एक लीटर दवाई आती है, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं और ये असर नहीं होती, उल्टा कई बार फसल को फूंक देती है और कीड़े नहीं मरते हमारे। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, कीड़े तीन तीन दिन छपरे करोगे कीड़ा फिर भी वहीं का वहीं है। तो ये मिलावट की दवाई जो है ये हमें मिल रही है, ये नहीं होनी चाहिए।